जी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे, सबको जो मुझे देख रहे हैं इस टाइम। और मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी हमेशा की तरह। खैर छोटे से छोटे मोटे मजाक तो मैं करती रहती हूँ। और आज जो है मैं आप लोगों के लिए बहुत आला किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं बड़ा ही मजे का दूध। वैसे आज नहीं हम बनाने वाले, मैंने ये दूध बनाया था 3-4 दिन पहले। जो वीडियो जो है आज अपलोड होगी, आज जो है स्टार्ट वाली मैं आप लोगों को बताऊँ कि बनाया क्या था आखिर। तो अम्मी की ईजाद करदा रेसिपी है, जो है ईजाद करदा ये दूध है गर्मी से बचने के लिए। जिसने गर्मी से बचना है ना, गर्मी से बचने के लिए फ़ायदेमंद और इसके जितने फ़ायदे हैं ना आप लोगों को मैं इकट्ठे नहीं बता सकती, थोड़े थोड़े करके बताऊंगी इसके फायदे। ठीक है जी, वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। और हम बातें करते हैं बंद और सीधा चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा जी, तो दूध बनाने के लिए हमें जो सबसे पहले चीज़ें चाहिए दूध। दूध हमने लिया है 2 लीटर ऑलपर्स का है। अगर आपके पास दूसरा दूध है तो आप वो ले सकते हैं। ठीक है जी, अगर ऑलपर वाला है, वैसे ऑलपर वाला दूध ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप ऑलपर वाला ले लें, तो अगर आपके पास खुला दूध है तो आप वो ले लें। ठीक है, उसके बाद आता है कस्टर्ड, वनीला कस्टर्ड आपने लेना है। फ्लेवर आप कोई भी ले सकते हैं इसका। ठीक है, आपको मैंगो पसंद है, बनाना फ्लेवर पसंद है, या जो है हर तरह का फ्लेवर होता है कस्टर्ड में, तो आपको जो फ्लेवर पसंद है आपने वो ले लेना है। उसके बाद आता है जी, ये क्या है, ये है साबूदाना। साबूदाना को जो है हमने बॉईल करके, जैसे पानी को बॉईल किया और उसमें ये डाल दिया, उसको अच्छी तरह बॉईल करके जब इस तरह से फूल जाए तो उसको हमने ठंडे पानी में डिप करके रख देना है। ठीक है, ताकि अच्छे से फूल जाए। उसके अलावा बादाम है पिसे हुए, इसको हम अच्छे से मज़ीद पीसेंगे। अभी तो ये थोड़े थोड़े से पिसे हुए हैं, इसको हम और पीसेंगे। ठीक है, उसके अलावा ये तुखमलंगा है, मेरे पास 2 लीटर दूध है, उसके हिसाब से जो है मैंने ये लिए हैं 3 खाने के चम्मच। ये हम सारा ऐड करेंगे इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा लगता है दूध के अंदर, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको मैंने भिगो के रखा हुआ है, अभी जब तक हमारा दूध बनेगा ये भी ठीक हो जाएगा। उसके अलावा हमें चाहिए जेली। जेली के मैंने 3 फ्लेवर लिए हैं, आपको कोई से भी जो फ्लेवर चाहिए आप वो ले सकते हैं जेली का। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा हमने लेनी है चीनी, तो आप इसको बनाते हैं। ठीक, पहले हम रखेंगे दूध को बॉयल होने के लिए। पहले जो है हम लोग दूध को बॉयल होने के लिए रखेंगे। साथ ही दूसरे चूल्हे पे जेली भी बना लेंगे। जेली बनाने का तरीका आपको पता है, लिखा होता है सारा पीछे, तो आपने उधर से देख के सारी जेली जो है वो बना के एक साइड पे रख लेंगे ठंडी होने के लिए। जेली जल्दी जल्दी ठंडी हमें चाहिए, तो इसको हम सबसे पहले बनाएंगे। ठीक है, जब तक दूध हमारा बॉयल हो रहा है तब तक हम जेली बना लेंगे। अच्छा जी, तो जेली जो है वो हमारी बन चुकी है। आपने जेली को बना के प्लेट्स में निकालना है, इस तरह बड़ी वाली प्लेट्स जो होती हैं उसमें निकालना। अगर वो नहीं है आपके पास, किसी ट्रे में आप इसको निकाल लें, ट्रे नहीं है तो प्लेट में निकाल लें। लेकिन आपने इसको जल्दी जल्दी से प्लेट में किसी जो खुली सी चीज़ में आपने निकालना, ताकि जल्दी से हमारी जेली जो है वो ठंडी हो जाए, सख्त हो जाए, फिर हम इसको जल्दी से काट सकें। ठीक है, जेली हमारी रेडी है, हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, तो हमारा दूध जो है वो बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। ये वाला छोटे वाला 1 कप मैं ऐड कर रही हूँ, 2 लीटर दूध था तो 1 कप चीनी मैं इसमें ऐड करूँगी। आपको जितनी मतलब अपने हिसाब से, अगर कुछ लोग ज़्यादा पीते हैं कुछ कम पीते हैं, अपने हिसाब से आप इसके अंदर चीनी ऐड कर सकते हैं। और चीनी हमने इसके अंदर ऐड कर दी है, और हमने इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पे पकाना है। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे। 5-7 इलायची के दाने थे, इलायची लेके उसके आपने दाने अलग करके वो आपने दूध के अंदर ऐड कर देने हैं। इससे जो दूध के अंदर एक स्मेल की आती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, यही वाला कप मैंने दूध का लिया था, और इसमें मैंने कस्टर्ड जो है तकरीबन 4 चाय के चम्मच कस्टर्ड ऐड किया है। 2 लीटर अगर आपके पास दूध है तो 4 चाय के चम्मच कस्टर्ड के आपने दूध के अंदर ऐड करने हैं। तो ये दूध हम बना रहे हैं, ये थोड़ा सा थिक ही होता है, इस वजह से हम इसके अंदर कस्टर्ड ऐड कर रहे हैं ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इसको जो है थिक नहीं करना है। अब हल्का हल्का इसमें डालेंगे और मिक्स करेंगे। एक तो इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, वनीला, मैंने तो वनीला वाला लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं कस्टर्ड का, जो भी आपको फ्लेवर पसंद है आप जो है दूध के अंदर वो ऐड कर सकते हैं, बड़ा मज़े का इसका टेस्ट हो जाता है इससे। तो अब इसको हम थोड़ा सा थिक होने देंगे।
तो हमने इसको जो है इतना सा तकरीबन ठीक किया है। बहुत ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, पतला पतला ही चाहिए। जाहिर सी बात है दूध हमने बनाना है इसका, तो हमें इतना ज़्यादा पतला नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा हमने इसको ठीक किया था। तो और दूसरा जी, अभी ये हमारा दूध जो है वो डन हो चुका है। हमने इसमें इलायचियाँ ऐड की थी, कस्टर्ड ऐड किया है, चीनी ऐड की है, ये अब डन हो गया है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अच्छा जी, तो ये हमने बादाम जो थे हमारे पास उसको हमने इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड किया और इसको अच्छे से हमने पतला सा इसका पेस्ट बना लिया है। और अब हम ये दूध के अंदर ऐड कर देंगे। तकरीबन 10-15 बादाम लिए थे मैंने, उसको पहले अच्छे से जो है कूट लिया, फिर उसके अंदर दूध डाल के उसका मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया पतला सा। और एक बादाम का जो पेस्ट था वो मैंने ये दूध के अंदर ऐड कर दिया। अच्छा जी, तो दूध हमारा जो है वो ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें साबूदाना ऐड कर रहे हैं, तकरीबन ये टेबल स्पून है, तो मैंने इसमें 5-6 भर भर के टेबल स्पून साबूदाने के ऐड कर दिए। दूध ऐड कर रहे हैं, मतलब इसके अंदर हम थोड़ा सा ऐड करेंगे जितना आपको चाहिए। अभी मुझे एक जग बनाना था तो मैं उसी हिसाब से इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड कर रही हूँ। पहली जो थी वो मैंने सारी ठंडी करके उसको काट लिया था। हमने ज़्यादा इसको इतना सा तकरीबन जो है इसको मैंने इस तरह से क्यूब कट कर लिया है, इतना सा आप साइज़ रखें इसका। तो ये अब मैं इसमें ऐड करूँगी, ये तकरीबन अब एक जग था मेरे पास, तो इसमें मैं जो खाने के जो बड़े वाले चम्मच होते हैं डोंगे वाले चम्मच, तो मैंने इसमें 5-6 भर भर के ऐड कर दिए। और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार सा दूध हमारा रेडी है, आप इसको लाजमी ट्राई करें। और इसमें आप इसको ठंडा करने के लिए बर्फ़ डालें। अभी मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ क्योंकि अभी मैं क्योंकि वीडियो बना रही हूँ इस वजह से। तो अब आपने इसमें इसको जितना आपको ठंडा रखना है आप उसी हिसाब से इसमें बर्फ़ ऐड करें। बहुत ही मज़े का हमारा ये दूध है ये बन चुका है, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी होता है, आप इसे लाजमी ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है आपने, और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये कैसा लगा है दूध। तो आई होप आप लोगों को आई होगी रेसिपी पसंद। दूध जो आपको पता है फ़ायदेमंद ही फ़ायदा ही फ़ायदा है उसको पीने का, कैल्शियम की कमी दूर होती है। उसके बाद आता है तुकमलंगा। तुकमलंगा जो है हम अपनी डेली रूटीन में शामिल करेंगे ना, जो जितनी मोटी मोटी लड़कियां हैं ना वो सारी जो है मतलब खाली पानी में अक्सर उसका जो होता है एक मतलब एक होती है खाली पानी में तुकमलंगा डाल के पीने से जो है पतला होता है इंसान। लेकिन अगर आपका नहीं दिल चाह रहा कि आप उसको जो है खाली पानी में सादे पानी में डाल के पिए, तो आप इस तरह से दूध में थोड़ी सी चीनी कम करके आप इस तरह से भी उसको पी सकते हैं कि एक कैल्शियम आपको मिलता रहेगा दूध। और तुकमलंगा के जो और भी मज़ीद बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जिन लोगों को जो है कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है, जिन लोगों को पेट का दर्द होता है, पेट की जो आंतें सूखी होती हैं उसका मसला होता है, जो है तुकमलंगा वो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक, अलावा आते हैं जी बादाम। बादाम तो सबको ही पता है कि जो जितने बादाम खाओगे उतना दिमाग तेज़ चलेगा, उतना दिमाग तेज़ चलेगा उतनी ज़ुबान तेज़ चलेगी, जितनी ज़ुबान तेज़ चलेगी उतनी ज़ुबान की वजह से ना यहाँ तो नाकामी मिलेगी या कामयाबी मिलेगी। साबूदाना जो है, साबूदाने का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में अगर रेगुलर हो जाए ना, तो जितने लोग हैं जिनको ख्वाहिश है ना कि हमारा रंग साफ़ सुथरा हो जाए, साबूदाना जो है उसका इस्तेमाल करें डेली, आपका जो है रंग होगा साफ़ सुथरा। कस्टर्ड वगैरह जो हम ऐड करते हैं वो जस्ट फ्लेवर के लिए होता है, ठीक है। उसके अलावा जेलियाँ, ये भी एक फ़्लेवर, हर चीज़ को एक फ़्लेवर दिया जाता है, ठीक है। फ़ायदेमंद हर चीज़ होती है, लेकिन कुछ फ़ायदेमंद चीज़ें हमसे नहीं खाई जाती। साबूदाना खाली निकला जाएगा नहीं, हम तुकमलंगा खाली खाया जाएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं खाया जाएगा। हमें क्योंकि खाली बादाम पीस के मुँह भर के खा लो, नहीं हम कभी भी नहीं खाएंगे। इस तरह से फ़ायदेमंद जो चीज़ें होती हैं ना उनको थोड़ा सा उनका टेस्ट बढ़ा के उसको खाया जाए, उसको पिया जाए,
ज़्यादा आप आके टोट के आज इधर ही ख़त्म करती हूँ मैं। तो बाकी रेसिपी आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, लाजमी आप लोगों ने ट्राई करना है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी आज की रेसिपी। और ये पीछे से लगातार मेरी बच्ची मुझे तंग करी जा रही है, तो इससे पहले ये करें मुझे ज़्यादा तंग, मैं करती हूँ वीडियो को बंद। आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और इंशाल्लाह मिलती है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।